Hello friends, welcome to Education Shelf Live. I am Dr. Riddhi Agrawal and I am here with the next part of Thermodynamics Unit. तो आज के पार्ट में हम ऐसी enthalpies पढ़ेंगे जो अलग अलग reactions में हमें देखने को मिलती हैं. लास्ट लेक्चर जो है उसमें हमने enthalpy of formation, standard enthalpy of reaction सबके बारे में पढ़ा था और मैं होप कर रही हूँ कि आपको वो सब चीज़ समझ में आ गई होंगी. सो गाइज, अब नीट का एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो आपके पास एक्स्ट्रा एक महीना है अपनी पढ़ाई को पूरा बूस्टअप करने के लिए. तो वो बूस्ट जो आपको देना है वो आप एक ऐप के थ्रू दे सकते हो, दैट इज डाउटनट. डाउटनट एक ऐसी ऐप है जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें जो है कर सकते हो. आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, लाइव लेक्चर्स दे सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा. इस ऐप का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उससे जाकर ज़रूर डाउनलोड करना. और मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि इस ऐप में आखिर है क्या क्या. कोरोना के वक्त घर बैठे पढ़ाई करो ना, डाउटनट है आपके साथ, जहां आप बस क्वेश्चन की फोटो लेकर तुरंत अपने डाउट का वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं. साथ ही यहां कोटा के टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम, एनजे सर के फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे. इतना ही नहीं, रोजाना शाम 5 बजे डाउटनट की टीम आकर करेगी देश भर के टॉप IIT JEE और नीट में पूछे गए डाउट सॉल्व, वो भी लाइव. सो स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में कोई भी आए डाउट तो डाउटनट के साथ उन्हें कर दो आउट. सो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से. तो क्या होता है, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, तो इसीलिए हमने एक चीज करी है इसमें कि वी हैव गिवन नेम टू द एंथैल्पीज स्पेसिफाइंग द टाइप्स ऑफ रिएक्शन. तो रिएक्शन के टाइप को देखते हुए हमने एंथैल्पीज की नेमिंग कर दी है. तो पहली एंथैल्पी जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. और इसका सिंबल जो है सिंपल कंबशन है, तो इसलिए यहाँ पे सी लगा दिया और ये स्टैंडर्ड हो ही जाएगा. अब कंबशन रिएक्शंस जो है वो एक्सोथर्मिक होते हैं नेचर में, हम सबको पता है. ये इंडस्ट्री में, रॉकेटरी में और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ की उसमें इंपॉर्टेंस रखते हैं. नाउ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज पर मोल और पर यूनिट अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस when it undergoes combustion and all the reactants and products being in their standard states at the specified temperature. तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होता है, वो एंथैल्पी चेंज जो पर मोल हो रहा है पहली बात तो सब्सटेंस के, और कब हो रहा है, जब वो सब्सटेंस कंबशन के प्रोसेस के थ्रू गुजर रहा है और जितने भी उसके रिएक्टेंट्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो सब अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स में है एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे. तो उस एंथैल्पी को हम नाम देंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. अब कुकिंग गैस जो होती है सिलेंडर्स में, जो हमारे घरों में आती है, वो क्या होती है, ब्यूटेन यानी कि C4H10. अब जब उसका कंप्लीट कंबशन होता है ना एक मोल ब्यूटेन का, तो 2658 किलो जूल की हीट रिलीज होती है. अब इसके लिए जो हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखते हैं, रिएक्शन लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं, C4H10 हो गया हमारा गैशियस फॉर्म में, प्लस 13/2 O2 मॉलिक्यूल्स लगते हैं हमारे गैशियस फॉर्म में, और एक कम्प्लीटली कम्बस्ट होके बनाता है 4CO2 गैशियस फॉर्म में प्लस 5H2O लिक्विड फॉर्म में. और इसकी जो कम्बशन एंथैल्पी है हमारी, या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कम्बशन जिसको हम बोल रहे हैं, वो होती है -2658 किलो जूल्स पर मोल. तो ये बात ध्यान रखनी है आपको. देन कम्बशन ऑफ ग्लूकोज गिव्स आउट 2802 किलो जूल पर मोल ऑफ हीट. और जो हमारा ग्लूकोज होता है, अगर उसका कंबशन हम कराएं, देखो ग्लूकोज का कंबशन हम कैसे कराएंगे, C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज होता है, इसमें हम 6O2 मिलाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O. और इसकी जो कंबशन एंथैल्पी है वो है -2802 किलो जूल्स पर मोल. अब क्या है, जो हमारी बॉडी है वो भी जो हम फूड खाते हैं ना उससे हीट जनरेट करती है, एनर्जी जनरेट करती है, तो वो यही प्रोसेस होता है कंबशन का ही. हालांकि जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सिर्फ एक रिएक्शन के बाद नहीं बन जाते, वो बहुत सारे हमारे कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें हमारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उनकी एक पूरी सीरीज होती है, उसके बाद हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो बन के आते हैं. क्लियर है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से. अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और वो एग्जाम्पल किसका लेंगे, हम डाइहाइड्रोजन का एटोमाइजेशन करवाएं. तो H2 इन गैशियस फॉर्म गिव्स अस 2H इन गैशियस फॉर्म. तो इसकी जो एंथैल्पी है एटोमाइजेशन की वो है 435 किलो जूल्स पर मोल. अब इसमें हमने क्या देखा, जो H एटम्स हैं वो HH बॉन्ड के टूटने से बनेंगे, जो कि डाइहाइड्रोजन में प्रेजेंट है हमारे. सो जो एंथैल्पी चेंज होगी इस प्रोसेस में उसको हम नाम देंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. Now it is the enthalpy change on breaking one mole of bonds completely to obtain atoms in the gas phase.
तो इसमें होता क्या है, ये एंथैल्पी चेंज क्या है, जब हम एक मोल बॉन्ड्स को तोड़ रहे हैं पूरी तरीके से और उसके थ्रू हमें एटम्स मिल रहे हैं गैस फेज में, उसको बोलेंगे हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. नाउ इन केस ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक डाइहाइड्रोजन, द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. अब जो हमारे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया, इनमें जो हमारी एटोमाइजेशन एंथैल्पी है उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बोलते हैं. कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके, जैसे हमारा CH4 गैशियस फॉर्म में, तो ये देगा हमें C+4H. इसकी एटोमाइजेशन एंथैल्पी जो है वो है 1665 किलो जूल्स पर मोल. अब ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो एटम्स हैं सी और एच के गैशियस फेज में, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है. अब एक और रिएक्शन देखते हैं हम, जैसे जो हमारा Na है सॉलिड फॉर्म में, वो Na दे रहा है हमें गैशियस फॉर्म में, तो इसकी जो एटोमाइजेशन एंथैल्पी है वो होगी 108.4 किलो जूल्स पर मोल. इस केस में जो हमारी एंथैल्पी है एटोमाइजेशन की, वो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की तरह है, क्योंकि सब्लिमेशन में भी यही होता है, सॉलिड जो है वो गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. नेक्स्ट जो आती है हमारी वो है बॉन्ड एंथैल्पी. नाउ केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. अब हमें पता है केमिकल रिएक्शन में कुछ बॉन्ड टूटते भी हैं, कुछ नए बॉन्ड्स बनते भी हैं, तो एनर्जी चाहिए होती है जब हम एक बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, और जब एक बॉन्ड बन रहा है तो उसमें एनर्जी हमारी रिलीज होती है. नाउ इट इज पॉसिबल टू रिलेट हीट ऑफ रिएक्शन टू चेंजेस इन एनर्जी एसोसिएटेड विद ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. तो ये पॉसिबल है कि हम जो हीट ऑफ रिएक्शन है उसे एनर्जी चेंज से एसोसिएट कर दें, जो कि हमारे केमिकल बॉन्ड्स तोड़ने और जोड़ने से मिल रही है. नाउ विद रेफरेंस टू द एंथैल्पी चेंजेस एसोसिएटेड विद केमिकल बॉन्ड्स, टू डिफरेंट टर्म्स आर यूज्ड इन थर्मोडायनामिक्स. अब एंथैल्पी चेंजेस जो कि हमारे केमिकल बॉन्ड्स से एसोसिएटेड हैं, उनके रेफरेंस में हम दो तरीके की टर्म्स यूज करते हैं थर्मोडायनामिक्स में. पहली है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और दूसरी है मीन बॉन्ड एंथैल्पी. तो अब इन टर्म्स को हम डायटोमिक और पॉलीअटोमिक मॉलिक्यूल्स के रेफरेंस में डिस्कस करेंगे. तो पहला लेंगे हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं. तो एक एग्जांपल ले रहे हैं हम वही H2 वाला. H2 इन गैशियस फेज गिव्स अस 2H इन गैशियस फेज. तो एंथैल्पी चेंज जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है वो क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है HH बॉन्ड की. सो द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो गया, इट इज अ चेंज इन एंथैल्पी when one mole of covalent bonds of a gaseous covalent compound is broken to form products in the gas phase. तो bond dissociation enthalpy वो change होती है enthalpy में जब एक gaseous covalent compound का एक mole covalent bond जो है वो टूट के products बनाता है, वो भी gas phase में. Now it is same as the enthalpy of atomization of dihydrogen. तो इसमें जैसे जो हमारी एंथैल्पी निकल रही है बॉन्ड डिसोसिएशन वाली, वो 435 किलो जूल्स पर मोल ही है, यानी कि ये एंथैल्पी जो है वो एटोमाइजेशन एंथैल्पी के बराबर ही होती है. नाउ ये सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए सेम चीज रहती है, मतलब कि जो उसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो सेम रहती है. जैसे क्लोरीन की अगर हम देखें तो उसकी 242 होती है, O2 की अगर हम देखें तो 428 होती है. लेकिन जो हमारे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें हर एक बॉन्ड के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अलग अलग होती है, चाहे मॉलिक्यूल एक ही हो लेकिन उसमें अलग अलग बॉन्ड्स हैं, तो अलग अलग हमारी डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी. तो उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं. तो ये आता है हमारा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. तो इसमें हम CH4 का एग्जाम्पल लेके चलेंगे. CH4 जो है वो C+4H में कन्वर्ट हो रहा है और इसकी जो एटोमाइजेशन एंथैल्पी निकल के आ रही है वो है 1665 किलो जूल्स पर मोल. ये हम पढ़ चुके हैं. सो मीथेन में क्या होता है, जो चारों CH बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ और एनर्जी सेम है, इसीलिए एक एक CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हर एक सक्सेसिव स्टेप में डिफर करती है. कैसे, जैसे हमारा CH4 आ गया, इसको हमने CH3+H में कन्वर्ट किया, यानी कि एक CH बॉन्ड टूटा, तो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो रहेगी +427 किलो जूल्स पर मोल. अब CH3 को जब हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा CH2+H, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी +439 किलो जूल्स पर मोल. तीसरा रहेगा हमारा, हम CH2 को तोड़ेंगे और वो बनाएगा CH+H, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी +452 किलो जूल्स पर मोल. और लास्ट में रह जाएगा हमारा CH, जिसको हम तोड़ेंगे तो बनेगा C+H, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी रहेगी +347 किलो जूल्स पर मोल. इसीलिए
जो हमारे टोटल की जो आएगी, मतलब कि इस वाले रिएक्शन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी, वो इन चारों का सम होगी और वो रहेगी 1665 किलो जूल्स पर मोल। तो इन केसेस में हम मीन बॉन्ड एंथैल्पी जो है सी एच बॉन्ड की, वो यूज करेंगे। इसका नाम मीन बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो दिया जाएगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल इन सी एच फोर, सी एच बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज कैलकुलेटेड एज, अब जैसे हमें सी एच जो हमारा बॉन्ड है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है, तो क्या होगा वो 1/4 ऑफ दिस, यानी कि 1665 का 1/4, यानी कि 416 किलो जूल्स पर मोल हो जाएगी। सो हमें ये पता चल गया कि मीन सी एच बॉन्ड एंथैल्पी जो है मीथेन की, वो है 416 किलो जूल्स पर मोल। नाउ इट हैज बीन फाउंड दैट मीन सी एच बॉन्ड एंथैल्पी डिफर स्लाइटली फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड। अब हमें यह पता चला है कि जो मीन सी एच बॉन्ड एंथैल्पीज होती हैं वो कंपाउंड टू कंपाउंड डिफर करती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत, जैसे CH3CH2Cl या फिर CH3NO2 एटसेट्रा, इन सब में, लेकिन बहुत ज्यादा तरीके से वो डिफर नहीं करती है। अब हेस्लो यूज करके हम बॉन्ड एंथैल्पीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो रिएक्शन एंथैल्पीज होती हैं हमारी, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज होती हैं, बिकॉज दे अराइज फ्रॉम द चेंजेस दैट अकंपनी द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, क्योंकि वो ऐसी चेंजेस से अराइज होती हैं जिसमें हमारे पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो अगर हमें अलग अलग बॉन्ड एंथैल्पीज पता हैं, तो हम एक रिएक्शन की गैस फेज में उसकी एंथैल्पी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी है वो बॉन्ड एंथैल्पी से रिलेटेड होती है रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के गैस फेज रिएक्शन में। वो मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता ही चुकी हूँ कि जो हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या होता है, समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स। नाउ दिस रिलेशनशिप इज पर्टिकुलरली मोर यूजफुल व्हेन द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी आर नॉट अवेलेबल। अब ये रिलेशनशिप सबसे ज्यादा यूजफुल कब है, जब हमारे पास फॉर्मेशन एंथैल्पी की वैल्यू अवेलेबल नहीं है। सो द नेट एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स माइनस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स इन द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। तो नेट एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा एक रिएक्शन में, ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें सारे बॉन्ड्स तोड़ने के लिए चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में, माइनस ऐसी एनर्जी या इतनी एनर्जी जो हमें सारे बॉन्ड्स तोड़ने के लिए चाहिए प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में। अब हमें यह याद रखना है कि ये रिलेशनशिप अप्रॉक्सीमेट होती है और ये जब भी वैलिड होगी जब हमारे सारे सब्सटेंसेस, यानी कि चाहे वो रिएक्टेंट्स हो चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, वो सब गैशियस स्टेट में हो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ एंथैल्पी पे, जो कि है लैटाइस एंथैल्पी। अब लैटाइस एंथैल्पी क्या होती है, लैटाइस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज द एंथैल्पी चेंज व्हिच अकर्स व्हेन वन मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयंस इन गैशियस स्टेट। तो लैटाइस एंथैल्पी अगर हम एक आयनिक कंपाउंड की देखें तो वो एंथैल्पी चेंज होती है जो कब होती है, जब एक मोल आयनिक कंपाउंड का अपने आयंस में टूट जाता है और वो भी गैशियस स्टेट में। जैसे ये है हमारा NaCl जो कि सॉलिड स्टेट में है, इसको जब हमने तोड़ा तो ये बन गया Na प्लस गैशियस स्टेट में प्लस Cl माइनस गैशियस स्टेट में। तो इसकी जो लैटाइस एंथैल्पी है वो है प्लस 788 किलो जूल्स पर मोल। Now, since it is impossible to determine lattice enthalpies directly by experiment, we use an indirect method where we construct an enthalpy diagram called a Born-Haber cycle. तो अब क्या है, lattice enthalpy को detect करना, determine करना directly impossible है, इसलिए हमने एक method अपनाया, हम एक enthalpy diagram बनाते हैं जिसको हम Born-Haber cycle बोलते हैं। तो जैसे ये NaCl वाला हमने example लिया, इसी की हम lattice enthalpy calculate करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारा Na सॉलिड जो है उसे हम Na गैस में कन्वर्ट करें। तो इसकी जो सब्लिमेशन रहेगा सोडियम मेटल का, यानी कि इसकी जो सब्लिमेशन एंथैल्पी रहेगी वो कितनी हो जाएगी, 108.4 किलो जूल्स पर मोल होती है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो Na है हमारा ये जो गैशियस फॉर्म में आ गया, इसको हम Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी जो आयनाइजेशन हो जाएगा सोडियम एटम्स का, तो इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी जिसको हम डेल्टा आई एच से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होगी 496 किलो जूल्स पर मोल। तीसरा स्टेप है हमारा, हम जो हाफ Cl2 है गैशियस फॉर्म में, उसको हम Cl में कन्वर्ट करें गैशियस फॉर्म में, यानी कि क्लोरीन का डिसोसिएशन करा रहे हैं। तो रिएक्शन एंथैल्पी जो है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का आधा हो जाएगी, तो यानी कि ये होगा हमारा 121 किलो जूल्स
पर मोल। और लास्ट स्टेप जो है हमारा वो रहेगा जब हम Cl गैस को एक इलेक्ट्रॉन देंगे और उसे Cl माइनस में कन्वर्ट करा देंगे। तो ये होगा हमारा इलेक्ट्रॉन गेन बाय क्लोरीन एटम। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहेगी हमें, जिससे हम डेल्टा ई जी एच से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होगी हमारी इसमें -348.6 किलो जूल्स पर मोल। और जो लास्ट स्टेप इसका रहता है वो क्या रहेगा, हमारे पास Na प्लस भी आ गया प्लस Cl माइनस भी आ गया, तो हम बना लेंगे इसको Na प्लस Cl माइनस। तो ये सारे जो सीक्वेंस है पूरा स्टेप्स का, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड हेबर साइकिल। अब जो इम्पोर्टेंस है इस साइकिल की वो क्या है कि सारी एंथैल्पी चेंजेस को जब हम सम अप करेंगे तो उनका सम जीरो आएगा, ठीक है। अब अगर हम इसमें हैस लॉ लगाते हैं तो हमें इसकी लटाइस एंथैल्पी मिलेगी। लटाइस एंथैल्पी कैसे मिलेगी, 411.2 जो कि इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी है, प्लस 108.4 जो यहाँ से लिया हमने, फिर प्लस 121 जो कि यहाँ से लिया हमने, प्लस 496 जो कि हमने यहाँ से लिया, और ये हमारा माइनस में है इसीलिए इसको लगा देंगे हम -348.6। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा +788 किलो जूल्स पर मोल NaCl टू Na प्लस प्लस Cl माइनस के लिए। नाउ इंटरनल एनर्जी जो है वो 2RT से छोटी होती है, क्यों, क्योंकि जो हमारा डेल्टा Ng है वो होता है 2, इसीलिए जो हमारी इंटरनल एनर्जी होगी उसमें वो होगी +783 किलो जूल्स पर मोल। अब हम लटाइस एंथैल्पी को यूज करके जो एंथैल्पी है सॉल्यूशन की वो निकाल सकते हैं, कैसे, उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, डेल्टा सॉल्यूशन H यानी कि जो हमारी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है विल बी इक्वल्स टू डेल्टा लटाइस H प्लस डेल्टा हाइड्रेशन H। तो एक मोल NaCl के लिए लटाइस एंथैल्पी हमें पता है +788 किलो जूल्स पर मोल है, और जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो -784 होती है। ये ध्यान नहीं रखनी है आपको, ये मतलब लिखा हुआ है कहीं, तो ये -784 होती है। तो हमारी जो सॉल्यूशन की एंथैल्पी आ जाएगी वो हो जाएगी +4 किलो जूल्स पर मोल। इसका मतलब क्या है कि NaCl का जो डिसॉल्यूशन है उसके बाद थोड़ा सा हीट चेंज जो है वो आता है, लेकिन बहुत कम, वेरी लिटिल हीट चेंज, ओनली +4 किलो जूल्स पर मोल का। ठीक है, हो गया क्लियर। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट एंथैल्पी पे, जो कि है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जो अभी अभी हमने पढ़ी। सो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ इट डिसॉल्व्स इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जब एक मोल सब्सटेंस डिसॉल्व करते हैं तब जो एंथैल्पी चेंज आती है उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। नाउ द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द एंथैल्पी चेंज ऑब्जर्व्ड ऑन डिसॉल्विंग द सब्सटेंस इन एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट व्हेन द इंटरैक्शंस बिटवीन आयंस और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। तो जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे देखते हैं तो वो क्या होती है, जब हम सब्सटेंस को एक इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और उनके इंटरैक्शंस जो होते हैं आयंस के बीच में या सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच में वो नेग्लिजिबल होते हैं, तो वो एंथैल्पी जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे होती है। नाउ व्हेन एन आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट द आयंस लीव देयर ऑर्डर्ड पोजीशन ऑन द क्रिस्टल लटाइस। तो जब आयनिक कंपाउंड को हम एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो आयंस जो है अपनी पोजीशंस को छोड़ देते हैं, अब वो ज्यादा फ्री हो जाते हैं सॉल्यूशन में, लेकिन इन आयंस का जो सॉल्वेशन है या अगर वाटर में डिसॉल्व किया तो उनका जो हाइड्रेशन है वो भी उसी टाइम पे हो जाता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एक कंपाउंड है हमारे पास ए बी सॉलिड फॉर्म में। अब इसकी जो लटाइस एंथैल्पी है उसको हम यहाँ पे लटाइस एंथैल्पी लगाएंगे तो हमारा ये ए प्लस गैशियस और प्लस बी माइनस गैशियस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें अगर हम हाइड्रेशन एंथैल्पी लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस एक्वस प्लस बी माइनस एक्वस, या फिर डायरेक्टली भी अगर हम इसमें सॉल्यूशन एंथैल्पी लगाएंगे तो भी ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही है कि आयंस फ्री तो हो जाते हैं लेकिन या तो उनका सॉल्वेशन हो जाता है और अगर उनको वाटर में डिसॉल्व किया तो उनका हाइड्रेशन हो जाता है। सो द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ए बी इन वाटर इज डिटरमाइंड बाय सेलेक्टिव वैल्यूज ऑफ लटाइस एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयन। इसीलिए जो सॉल्यूशन की एंथैल्पी है जिसका अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा वो क्या है, डेल्टा सॉल्यूशन एच यानी कि सॉल्यूशन एंथैल्पी जो है इट विल बी इक्वल्स टू लटाइस एंथैल्पी प्लस जो हमारा हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो। तो ये आपको फॉर्मूला जो है वो याद रखना है, तो चाहे वो हाइड्रेशन एंथैल्पी हो चाहे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हो एक ही चीज हो जाएगा।
So for most of the ionic compounds, solution enthalpy is positive and the dissociation process is endothermic. तो जितने भी हमारे ionic compounds हैं उनमें most of the compounds ऐसे हैं जिनके लिए delta solution H यानी कि जो हमारी enthalpy of solution है वो positive रहती है और उनके dissociation process में energy जो है वो absorb होती है, endothermic होते हैं. Therefore, the solubility of most salts in water increases with rise of temperature. इसीलिए जैसे जैसे हम water का temperature बढ़ाते जाते हैं जो हमारे salts हैं उनकी solubility भी बढ़ती जाती है. Now, if the lattice enthalpy is very high, the dissolution of the compound may not take place at all. लेकिन अगर हमारी lattice enthalpy बहुत ज़्यादा high हुई तो उस compound का हो सकता है dissolution बिल्कुल हो ही नहीं पाए. ठीक है, clear हो गया. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट टाइप पे जो कि है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन. नाउ इट इज नोन दैट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड विद द एडिशन ऑफ अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो हमें पता चल गया कि सॉल्यूशन एंथैल्पी क्या है हमारी, कि एक पर्टिकुलर अमाउंट सॉल्यूट का हम एक पर्टिकुलर अमाउंट के सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं. नाउ दिस आर्ग्यूमेंट कैन बी अप्लाइड टू एनी सॉल्वेंट विद स्लाइट मॉडिफिकेशन. अब ये जो चीज़ हम बोल रहे हैं इस आर्ग्यूमेंट को हम किसी भी सॉल्वेंट पर लगा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करके. सो एंथैल्पी चेंज फॉर डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ गैशियस हाइड्रोक्लोराइड इन 10 मोल ऑफ वाटर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज HCl प्लस 10 एक्वस गिव्स अस HCl.10 एक्वस. एक्वस इसलिए यूज किया है क्योंकि हो सकता है वाटर हो सकता है कोई और सॉल्वेंट हो. तो इसका जो डेल्टा एच रहेगा वो क्या होगा, -69.01 किलो जूल्स पर मोल. तो अगर हम एंथैल्पी चेंज निकाल रहे हैं गैशियस हाइड्रोक्लोराइड को डिसॉल्व करने का, उसके एक मोल को डिसॉल्व करने का 10 ml ऑफ वाटर में, तो वो ये आएगा. अब हम एक सेट ऑफ रिएक्शंस लेंगे जिसमें हम एंथैल्पी चेंजेस देखेंगे अलग अलग. तो पहला है हमारा HCl गैशियस फॉर्म में है, उसमें हमने 25 मोल्स एक्वस सॉल्यूशन मिलाया तो वो बन गया HCl.25 एक्वस. इसका एंथैल्पी चेंज है -72.03. इसी तरीके से अगर हमने इसमें मिलाया 40 एक्वस सॉल्यूशन तो वो बन जाएगा हमारा क्या, HCl.40 एक्वस. इसका जो एंथैल्पी चेंज होगा वो होगा -72.79 किलो जूल्स पर मोल. और तीसरा रिएक्शन जो है उसमें हम इनफाइनाइट एक्वस मिला रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, HCl.infinite एक्वस. इसमें जो इसकी एंथैल्पी चेंज रहेगा वो होगा -74.85 किलो जूल्स पर मोल. तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या शो कर रही है हमें, कि जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो सॉल्वेंट के अमाउंट पे डिपेंड कर रही है. ठीक है, सो एज मोर एंड मोर सॉल्वेंट इज यूज्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अप्रोचेस अ लिमिटिंग वैल्यू. तो जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा सॉल्वेंट हम यूज करते जा रहे हैं एंथैल्पी जो है सॉल्यूशन की वो एक लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच रही है, यानी कि उसकी वैल्यू जो कि इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन में होनी चाहिए. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए ये वैल्यू जो है वो कहाँ पे दी गई है, इस वाले लास्ट इक्वेशन में जो कि इनफाइनाइट में दी गई, यानी कि -74.85 किलो जूल्स पर मोल. अब क्या करेंगे हम, जो हमारी पहली इक्वेशन है यानी कि ये वाली, सो इफ वी सब्स्ट्रैक्ट दिस फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन यानी कि ये वाली इक्वेशन से, तो हमें क्या मिलेगा, वी विल ऑब्टेन HCl.25 एक्वस प्लस 15 एक्वस विच गिव्स अस HCl.40 एक्वस, यानी कि -72.79 -72.03 विच विल गिव अस ओनली -0.76 किलो जूल्स पर मोल. तो ये जो वैल्यू है -0.76 किलो जूल्स पर मोल, ये है हमारी एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन. इट इज द हीट विड्रॉन फ्रॉम द सराउंडिंग्स व्हेन एडिशनल सॉल्वेंट इज एडेड टू द सॉल्यूशन. तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, सराउंडिंग से जो हम हीट विड्रॉ कर रहे हैं जब हमारे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा मिलाया जा रहा है तो वो होगी हमारी एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन. अब जो एंथैल्पी है डाइल्यूशन की, इट डिपेंड्स ऑन द ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड. तो जो ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन है हमारे सॉल्यूशन की उस पर भी डिपेंड करेगी ये, और जितना सॉल्वेंट हम ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा उस पर भी डिपेंड करेगी. ठीक है, हो गया क्लियर. तो कोई भी डाउट है अगर आप लोगों का तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं जरूर आपके डाउट्स का रिप्लाई करूंगी. सो गाइज, ये हो गया हमारा आज का लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पॉन्टेनिटी के बारे में पढ़ेंगे और हो सकता है कि वो लास्ट पार्ट रहे थर्मोडायनामिक्स का. तो उसके बाद आप लोगों को कौन सा चैप्टर चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. ओके, सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा.
आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप, व्हाट्सएप, इन सब जगह मुझे फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिए हैं। और इसी के साथ 11th और 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट के लिंक है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।